हेलो गाइस, स्वागत है आज की वोकैबुलरी सीरीज़ में। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम 10 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर को आपने तोड़ के पढ़ना है, यानी क्या, आई एम पोस्टर, यानी जो व्यक्ति खुद को सामने से ना बता पाए और अपने आप को बताने के लिए पोस्टर की ज़रूरत पड़े या पोस्टर की ज़रूरत पड़े, इसका मतलब वो ढोंग कर रहा है, इसका मतलब वो ढोंगी है, किसी और को अपने आप को साबित करना चाह रहा है, लोगों को ट्रिक करना चाह रहा है। तो देखो, आई एम पोस्टर मतलब खुद को पोस्टर के जरिए बताने के प्रयास कर रहा है, खुद नहीं बता पा रहा, इसलिए मतलब वो ढोंगी है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। इनसोल्वेंट, नेक्स्ट वर्ड है इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट कैसे याद रखोगे, इनसोल्वेंट, इन बातों का सोल्यूशन, वेंट, तीन पार्ट में तोड़ना है इसको, इनसोल्वेंट, इन बातों का सोल्यूशन, वेंट। हर चीज़ का मतलब, मोस्टली चीज़ों का जवाब पैसा होता है, मोस्टली चीज़ों का। तो अभी किसी बंदे के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो किसी ने उससे पूछा भाई सोल्व कर दो, तो उसने क्या बोला, इन सोल वेंट, इन बातों का सोल्यूशन वेंट, वेंट मतलब चला गया, डब्ल्यू ई एन टी वाला ना वेंट, वो वाला मतलब चला गया, यानी कि दिवालिया हो चुका है किसी आदमी का। तो ए पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज, मतलब जो उसके पास हुआ करता था वो अब नहीं पे कर सकता किसी लोग के पास, या कोई भी है, कंपनी है, जो भी है, वो ऐसे पे नहीं कर सकता है। ठीक है, आईटिनरेरी, आईटिनरेरी क्या, या कैसे याद रखोगे आईटिनरेरी को, आईटीआई ऐसे रखना, आईटीआई, आईटीआई में आप नरी, नरी मतलब बहुत बार गए हो, हरियाणा में नरी को बोलते हैं बहुत बार, तो आईटीआई नरी, आईटीआई नरी मतलब होता है नरी बहुत बार गए हो, तो आपको सारे रूट वगैरह पता है, जर्नी को कैसे प्लान करना है, कौन से रोड से जाना है, कौन से नहीं जाना है, तो पूरा यात्रा का कार्यक्रम आपको पता होता है। तो कैसे याद रखोगे, आईटीआई में नरी बार गए हो, पूरा यात्रा का कार्यक्रम पता है। नेक्स्ट है मोनार्की। मोनार्की आप सभी को पता है, मोनो मतलब सिंपल, सिंगल होता है, आर्की मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो एक राजा या रानी अगर गवर्नमेंट चला रही है तो मोनार्की कहते हैं। नेक्स्ट है ओ बिचुएरी। ओ बिचुएरी को याद करने का तरीका है, ओ मतलब वहाँ पर, बिचुएरी बाइट यू, ऐसे याद रखना, बाइट यू, ओ बिट यूरी, ओ जो है उसने जो है बाइट कर लिया है यू को, यानी उसकी डेथ हो गई, तो नोटिस ऑफ समवन डेथ होता है, शोक संदेश होता है। ठीक है, ओ बाइट, बिट से याद रखना, बाइट कर लिया है यू को, किसी ने बाइट कर लिया है जिससे उसकी डेथ हो गई है, तो उसका शोक संदेश पूरी जगह फैल चुका है। नेक्स्ट है और नीथोलॉजी, ऐसे याद रखना है, और नीचे, पक्षी उड़ रहे थे तो आपने क्या बोला, और नीथोलॉजी, और नीचे आके उड़ो ताकि आप देख सको, और लॉजी कहीं लगा तो स्टडी होता है, तो पक्षी याद रहेगा तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स याद रहेगा। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। अगर आप किसी देश में सरकार चला रहे हैं लोगों द्वारा, तो डेमोक्रेसी होता है, ऐसी प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब प्लूटो से याद रखो, प्लूटो ग्रह, जो पहले ग्रह हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर सरकार कौन चला सकता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा है, रॉकेट वॉकेट में जाने के पैसे हैं, तो प्लूटोक्रेसी से याद रखना, बहुत दूर जाके सरकार बनाने की क्षमता केवल किसमें है, जो धनवान लोग होते हैं, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल, अमीर लोग ही वहाँ पर जाकर सरकार अपनी चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट, तो तोड़ लो इस शब्द को, पॉलीग्लो, ठीक है, पॉली को लगो, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली का आपको सबको पता है मतलब मोर देन वन होता है, पॉलीग्लो बहुत ज़्यादा बातों का ज्ञान है, इसलिए उसके चेहरे पर ग्लो रहता है, पॉलीग्लो, ग्लो मतलब चमकता है उसका चेहरा, क्योंकि उसको हर तरह की लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज का ज्ञान है, तो पॉलीग्लो बहुत सारी बातों का, लैंग्वेज का ज्ञान है, इसलिए वो ग्लो करता रहता है, ऐसे आप याद रखें। नेक्स्ट है सिनेक्योर। सिनेक्योर से कैसे याद रखोगे भाई, तो सीने का क्योर, ऐसे याद रखना, सीने का क्योर मतलब सीने में आपकी कोई तकलीफ थी तो उसका क्योर मतलब इलाज हो चुका है, और ऐसा इलाज आपने कहाँ कराया, किसी सरकारी अस्पताल में कराया, तो आपको कैसे याद रखना, ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े, तो मोस्टली आप देखते होंगे ज़्यादातर, देखो कई जगह तो बहुत काम करते हैं सरकारी लोग जो होते, पर कई जगह खाली बैठे रहते हैं, तो सीने क्योर का मतलब याद रखना, जब सीने का क्योर कराने के लिए सरकारी अस्पताल में गए तो आपने देखा बहुत सारे लोग अपने पद पर बैठे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे कोई भी, तो ऐसे याद रखेंगे सीने का क्योर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी, आई एमनेस्टी, एम कहीं भी लगा हो ना इसका मतलब पीपल की बात हो रही होती है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो अलाउ करती है पीपल को हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, मतलब कि राज क्षमा उनके मिल चुकी है, एमनेस्टी, एम से याद रखना पीपल को, नेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, सजा से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, नेस्ट हो गया एक, आपको पता ही है नेक्स्ट होता है जैसे पक्षी वगैरह जहाँ रहते हैं घोंसला, तो घोंसले से बाहर जाने दिया है पक्षी को, बाहर आज़ाद कर दिया गया है,
तो एमनेस्टी, एमनेस्टी से याद रखना, एम को नेस्टी, भोसले से बाहर यानी क्षमा मिल चुकी है, लेकिन कौन सी क्षमा? राज क्षमा, क्योंकि जो नॉर्मल जेल होते हैं वो तो काल कोठरी होती हैं, थोड़े राजशाही जो जेल होते हैं ना उसमें घोंसले में रखा करते थे, ऐसे याद रखना। तो एम नेस्टी, नेस्ट से बाहर कर दिए हैं। फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, सामने देखो, आई एम पोस्टर, आई एम पोस्टर से कैसे याद रखना है, जो अपने बारे में पोस्टर से बताए ढोंगी है। इनसोलवेंट, इनसोलवेंट मतलब इन बातों का सोल्यूशन, वेंट चला गया है मतलब अब पैसा दिवालिया निकल गया, पहले हुआ करता था सोल्यूशन। ITI नरी मतलब ITI जाया करता था नरी बार, बहुत बार, जिससे रूट पता है, यात्रा का कार्यक्रम पता है। मोनार्की, एक आदमी। ओ बिट्यूरी, बिट्यू से रहना बाइट, किसने काट लिया है, किसने, उसने। ओ बिट्यूरी तो जिससे शोक संदेश फैल गया है। और निथोलॉजी, और नीचे आ, कौन आ और नीचे, पक्षी तो पक्षियों को पढ़ना। प्लूटोक्रेसी मतलब बहुत दूर जाना है प्लूटो में, तो वो जाके वहाँ जाके सरकार बनाना अमीर लोगों का ही काम होता है। पॉलीक्लोट, पॉली मतलब बहुत सारी बातों के, जिसको ज्ञान है उसके चेहरे पे ग्लो रहता है। सीने को, सीने का क्योर कराने कहाँ गए, सरकारी अस्पताल में गए आप, और वहाँ पर देखा कि आधे कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी पद पर फ्री में बैठे। एम नेस्टी मतलब नेस्ट से बाहर आ गए, आज़ाद हो गए राजसम। चले दोस्तों, आपको पसंद आई होगी क्लास को, लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में अगले 10 वर्ड्स हम करेंगे। चलिए, बाय बाय।